हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। लेट्स स्टार्ट। यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है। उस कैपेसिटर की एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, सच दैट यहाँ पे हमने थोड़ा सा दोनों तरफ क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। मान लो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो टी है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब आप जानते हो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, मतलब इसके अंदर चार्ज कुछ इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा कि पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव वाली साइड की तरफ अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में ईपी। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो प्लेट्स के बीच में थी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो होगी ई नॉट माइनस ईपी और जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इस डाइइलेक्ट्रिक का वो होता है ई नॉट बाय ई। अब हम जानते हैं कि जो वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो ई इंटू डिस्टेंस होता है। अब अगर हम एक प्लेट से स्टार्ट होकर दूसरी प्लेट तक जाएं तो ये जो खाली जगह है यहां पे और यहां पे तो फील्ड है E नॉट, लेकिन इस स्लैब के अंदर फील्ड है E, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, है ना। इतने पार्ट के लिए फील्ड है E नॉट और इतने पार्ट का जो लेंथ है वो है डी माइनस टी और इतने पार्ट के लिए फील्ड है E और इतने पार्ट का जो लेंथ है वो टी, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी, ये हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का। अब के है ई नॉट बाय ई, तो ई की वैल्यू होगी ई नॉट बाय के, तो इस ई की जगह हम रख देंगे ई नॉट बाय के। इस ई की जगह हमने ई नॉट बाय के रख दिया, ई नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर माइनस, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होती है ई नॉट वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रख दिया। सिग्मा आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। कैपेसिटर की प्लेट्स पे अगर चार्ज स्टोर्ड है क्यू और एरिया है ए, तो ये सिग्मा की जगह क्यू बाय ए लिख दिया और क्यू आप जानते हो सी इंटू वी होता है, तो क्यू की जगह अगर मैंने सी इंटू वी लिखा और यहां पर मैंने V से V काट दिया तो C की वैल्यू मेरे को मिलेगी, C को मैं इधर रखूंगा बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो C की वैल्यू मिलेगी एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। और यही फॉर्मूला है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का जब उसके बीच में हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी हो T थिकनेस की।